सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा थर्ड से हॉस्टल शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111, 8929551111। ये अभी जो हमारा कॉल अटेंशन मोशन है, ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7, ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 30 को समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ जोड़ दिया गया है। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री वरुण चौधरी विधायक द्वारा लंबित नलकूप कनेक्शनों से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 30, जो कि श्री मेवा सिंह विधायक और श्री बिशनलाल जी विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ जोड़ दी गई है। श्री मेवा सिंह विधायक एवं श्री बिशनलाल विधायक सप्लीमेंट्री उसके बाद पूछ सकते हैं। अब श्री वरुण चौधरी विधायक जी अपनी सूचना पढ़ें। Respected sir, I want to draw the attention of this august house towards a matter of an urgent and great public importance, that thousands of farmers in the state of Haryana are endlessly waiting for their tubewell connections. Earlier, due to short supply of star rated motors, and now for want of transformers and other infrastructure, for which the farmers have already paid in full. The agency responsible for providing transformer, poles, wires, etc. is working at a snail's pace, which has led to a great loss to the farmers. The pace of tubewell connections, which are to be provided by the electricity department directly, is also very slow. Waiting for a tubewell connection for one reason or the other for years after completing all formalities and paying as per the estimates has led to debt and frustration amongst the farmer community. They are feeling cheated by the department and hence this call attention motion. अब माननीय बिजली मंत्री जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी श्री वरुण चौधरी जी द्वारा जो कॉल अटेंशन मोशन लिखी गई है उसका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ आपकी इजाजत से। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने दिनांक 27/12/2018 को उन सभी आवेदकों को नलकूप कनेक्शन जारी करने की घोषणा की जिन्होंने 1/1/2014 से लेकर 31/12/2018 तक आवेदन किया था। इसमें कुछ 84,000 लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने का मतलब कि 100 रुपये की फ़ीस उन्होंने भर दी कि हम लाइन में हैं, उसके लिए कोई डिपॉजिट ये नहीं था। जब पैसा मांगा गया तो 30,000 लोगों ने, 30,000 रुपया जो मांगा गया उसके लिए 56,000 लोगों ने अपना पैसा जमा कराया। और उसके बाद हमने 5-स्टार रेटेड मोटर पंप सेट के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि 1500 नंबर 5-स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल सबरसिमल मोटर पंप सेट को खरीदकर टेंडर डिस्कॉम द्वारा मांगा जाएगा। उसके बाद डिस्कॉम की ओर से ई पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा मांगी गई थी। इस टेंडर को हाई पावर परचेज कमेटी ने अंतिम रूप दिया और मैसर्स ड्यू प्लास्टो गुजरात की कंपनी थी उसे ये ऑर्डर प्लेस कर दिया गया था। यह प्रस्तुत करना किसी भी किसानों पर किसी भी तरह के अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचाने के लिए राज्य सरकार ने खोजी गई दरों पर सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया जो निम्न प्रकार से दी गई है। 3 हॉर्स पावर से लेकर 3, 5, 7.5, 10 और 12.5 तक 3,000 रुपया सब्सिडी थी और 5, 15 से लेकर 17.5 तक हमने 5,000 रुपया सब्सिडी दी। 20 हॉर्स पावर से लेकर 25 तक 7,500 रुपया सब्सिडी देने का हमने निर्णय करा। 30 हॉर्स पावर तक 10,000 रुपया सब्सिडी दी गई। बिजली ढांचे के निर्माण के लिए
दोनों दिशाओं में कार्य टर्न की आधार पर प्रदान किया गया था। UHBVN ने मैसेज गोपी कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को 16/9/2019 को और DHBVN में मैसेज पेस पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर को 14/9/2019 को ऑर्डर दे दिया गया था। अब इसमें जो जो ट्यूबवेल लगे वो मैं आपसे डिटेल बता रहा हूँ। बिजली ढांचे की लागत में जमा करने वाले कुल आवेदक प्राप्त पात्र आवेदक ये UHBVN में 5,892 थे, DH में 10,860 थे, टोटल 16,752 थे। जारी किए गए सबरसिमल कनेक्शनों की संख्या UHBVN में 3,957 थे, DHBVN में 6671 कर दिए गए थे, टोटल 10,628 हमने कर दिए थे। जारी किए गए मोनोब्लॉक कनेक्शनों की संख्या 1530 UHBVN के थे और DHBVN के 331 थे, टोटल 1851 थे। अब इसके बाद जो कुल कनेक्शन करे गए वो UHBVN के 5,487, DHBVN के 6,992, टोटल 12,479, 16,752 में से कर दिए गए थे। हमारा जो बाकी बचा था वो UHBVN के 465 और DHBVN के 3668 थे, टोटल 4273 थे। अब से 4273 कनेक्शन 31/12/2021 तक कर दिए जाएंगे। इसके लिए जो कंपनी थी उसमें से एक नहीं कर सके, उसका हमने 11 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल कर दिया है और लोकल हमने सर्कल वाइज टेंडर देके उन लोगों को दे दिए, काम इस तक कर दिया जाएगा। अब इसमें वर्तमान में पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में राज्य सरकार ने 2019 में डिस्कॉम द्वारा जारी डिमांड नोटिस की अनुपालना 30,000 रुपये की सहमति राशि से जमा कराने वाले 56,000 आवेदनों में से लगभग 40,000 नलकूप कनेक्शनों को जारी करने का निर्णय लिया है। इन किसानों को बिजली के बुनियादी ढांचे जो 30,000 राशि है उसकी लागत जमा करने के लिए 30/4/2021 को 7/1 नोटिस जारी किए गए थे। इस कारण वेब पोर्टल की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है और मैसेज ओसवाल पंप्स लिमिटेड करनाल को नई को दी गई ESIO हाई पावर्ड परचेज कमेटी द्वारा खोजी गई पूर्व खोजी दरों से भी कम है। इसके अनुसार 5 स्टार अब 3 स्टार, क्योंकि ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय है, उसमें हमारा नहीं उनका फैसला है, और 5 साल की वारंटी के साथ शामिल है। इसमें जो 7 अन्य फर्मों को भी सूचीबद्ध किया गया है जिनमें अब 8 फर्में होगी, ताकि लोगों के ये लोड नहीं रहे कि एक ही फर्म सारा नहीं सप्लाई कर सके। इस करके अभी पिछली कमेटी में हमने 7 मैसर्ज ओसवाल पंप्स लिमिटेड करनाल, मैसर्ज ला मशीनरी रिज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्ज CRC पंप प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्ज ड्यू प्लास्टो टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्ज एक्साब इंजीनियरिंग, मैसर्ज लूबी इंडस्ट्रीज LLP, मैसर्ज सिंगला मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड करनाल, मैसर्ज अनिल पंप्स प्राइवेट लिमिटेड करनाल, ये हमने 8 फर्मों को अथोराइज डीलर बना दिए, ताकि कोई भी फार्मर जाके उनसे उनके शोरूम से अपनी मोटर ले सकें। कुल सिंचाई प्रणाली की स्थापना, राज्य में तेजी से घटते भूजल को रोकने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि डार्क जोन तोड़ के 30 मीटर तक जहाँ पानी होगा अवेलेबल उसमें अपना कोई ट्यूबवेल लगाए, पर 30 मीटर के बाद अगर होगा तो उसमें फिर माइक्रो इरीगेशन का करें, ताकि पानी की दिक्कत ना आए, और उसमें 85% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अब इसके बाद 1/2/2021 से 18/8/2021 तक जो दूसरा चरण उसकी प्रगति बता रहा हूँ। निगम में 30,000 रुपये सहमति राशि जमा करने वाले कुल पात्र आवेदक UHBVN में 16,834, DHBVN में 23,775, टोटल जो रोग रह गए वो 40,609 है। अब इनमें UHBVN के जारी किए डिमांड नोटिस की संख्या 16,834, DHBVN की 23,266, आवेदकों की संख्या जिन्होंने इनफ्रा लागत अदा कर दी है उसमें 14,000 UHBVN के 14,589, DHBVN के 14,266, जारी किए गए कनेक्शन UHBVN के 794, DHBVN के 363,
और शेष जो रह गए 13,795 UHBBN और DHBBN के 13,903। अब 27,698 कनेक्शन जिन्होंने लाइन की पूरी राशि जमा करा दी है, इनमें 4,000 कनेक्शन 31/12/2021 तक चालू कर दिए जाएंगे, बाकी 30/6/2022 तक सारे कनेक्शन पूरे कर दिए जाएंगे। यह प्रस्तुत करना अनिवार्य है कि नलकूप कनेक्शन पारदर्शी तरीके से जारी किए जा रहे हैं और राज्य सरकार नए नलकूप कनेक्शन जारी करते समय किसानों को आने वाली कठिनाई का तुरंत समाधान कर लिया है। मोटर पंप सेट की लागत जमा करने के लिए वेब पोर्टल की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। अधिसूचित क्षेत्रों डार्क जोन में नलकूप कनेक्शन जारी नहीं करने की शर्त को 23/7/2021 से हटा दिया है। अब अधिसूचित क्षेत्रों डार्क जोन क्षेत्रों में नए नलकूप कनेक्शन मौजूदा कनेक्शनों को स्थानांतरित करने तथा लोड बढ़ाने की अनुमति भी दे रही है। नहर के कमांड क्षेत्र में नलकूप कनेक्शन जारी नहीं करने की शर्त को भी दिनांक 25/6/2021 को हटा दिया गया है। गैर धान क्षेत्र को धान क्षेत्र पर प्राथमिकता देने की शर्त को भी हटा दिया गया है। मोटर पंप सेट के पर्याप्त आपूर्तिकर्ताओं की व्यवस्था की गई है। बिजली के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कई एजेंसियों की व्यवस्था भी की है। बिजली लाइन खींचने की यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि रन की फर्म के पास नलकूप कनेक्शन जारी करने के लिए पर्याप्त सामग्री रहे। यह फिर से बताया जाता है कि राज्य सरकार उन किसानों को नलकूप कनेक्शन जारी करने के लिए वचनबद्ध है जिन्होंने मौजूदा योजना के तहत शीघ्रता से शामिल करने की सहमति दी है। अब श्री मेवा सिंह जी विधायक अपना पहले आप कर ले सप्लीमेंट्री। स्पीकर सर, पहले तो मेरा एक प्रारंभिक जो है आपत्ति है कि जिस आवेदकों की संख्या को इस कॉल अटेंशन मोशन में आधार बनाया गया है, जो कि पैरा नंबर 2 में बताया गया है कि लगभग 84,000 आवेदक थे, सर वो जो संख्या है वो 2.5 साल पुरानी है। सर 31/12/2018 के बाद भी तो कितने आवेदक हैं उनकी तो जानकारी नहीं दी गई सर। ये तो विधानसभा को जो है मिसलीड किया जा रहा है सर। 2.5 साल पुराना संख्या जो है सर वो हमारे साथ आज 20/8/2021 को साझा की जा रही है। अगर 4 साल में सर, क्योंकि ये संख्या जो बताया गया है माननीय मंत्री जी द्वारा 1/1/2014 से 31/12/2018 तक की है, उसके अंदर सर लगभग 84,000 आवेदक हैं हमारे किसान। तो अगर 4 साल में 84,000 हैं सर, तो उसके बाद तो 2.5 साल बीत चुके, तो 40,000 से 50,000 आवेदक और भी होंगे। पहले उसकी जानकारी दी जाए, ये संख्या को ठीक किया जाए, उसके बाद में आगे अपनी बात रखूंगा। जवाब देता हूं, पोर्टल खुलने के बाद ही अगले आएंगे, पहले जब हम ये कनेक्शन जारी करेंगे उसके बाद खुलेंगे, अब तक खुला नहीं है। सर यहां बात हो रही है कि आवेदक कितने हैं, ये बात नहीं हो रही कि पोर्टल खुला है या नहीं खुला, हम बात कर रहे हैं कि आवेदक कितने हैं। ये आवेदक की जानकारी गलत है सर, या तो आप दोबारा सर इसको लगाएं, ये संख्या सही करवाएं पहले, ये तो संख्या ही सही नहीं है सर। जो आधार है इस कॉल अटेंशन मोशन का वो ही सही नहीं है, 2.5 साल पुरानी जानकारी क्यों दी जा रही है आज। देखिए वरुण जी, मैंने आपसे बताया कि 84,000 लोगों ने अप्लाई करा, तो उन्होंने 100 रुपये में अपना फार्म के मैं लेने की लाइन में हूँ। देखिए अगर मोटरसाइकिल स्कूटर भी जमा करवाते हैं उसकी भी सिक्योरिटी होती है, जब सिक्योरिटी मांगी गई तो जितने लोगों ने, वो मैंने आपसे बताया इतने लोगों ने कराया, उन्हीं के कनेक्शन दिए जाएंगे। सर आवेदकों की बात हो रही है, ये आपने जो जानकारी दी है ये 31/12/2018 की है, आज 20/8/2021 है, मुझे तो सही आवेदकों की पहले आप जानकारी दें। ये 2.5 साल पुरानी जानकारी देने का कोई औचित्य नहीं। इसमें मुझे थोड़ा पीछे बोलना पड़ेगा। देखिए एक बात, क्योंकि इसमें मैंने ही अनाउंसमेंट की थी और आप डेट्स अगर ध्यान करते हैं, इसमें मैंने वो अनाउंसमेंट की थी 27/12/18 को, एक चूक हुई थी उस समय और उसको मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मुझे या तो ये कहना चाहिए था कि आज तक जितने लोगों ने अप्लाई किया है उन सबको कनेक्शन दिया जाएगा। हमने क्या किया, 27/12/2018 को ये कह दिया और 4 दिन का टाइम देके कि आने वाली 31 तारीख, क्योंकि महीना खत्म होने वाला था, कि आने वाली 31/12 यानी 4 दिन बाद 31/12 तक भी जो लोग अप्लाई करेंगे उनको सबको कनेक्शन देंगे।
आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, उन चार दिनों में 100 रुपया भर करके कम से कम 30,000 लोगों ने लाइन में लग के खड़े हो गए। तो अधिकार है, उन्हें अधिकार मान लिया, लेकिन उन्हीं को फिर जब ये कहा कि आप जो है रिक्वायर्ड मनी ये जमा कराइए, 30,000 रुपए जमा कराइए, जब 30,000 रुपए जमा कराने की बात आई तो वही 84,000 से घट करके 56,000 हो गए हैं, इसलिए 28,000 तो वहीं खत्म हो गए हैं। अगर वो 100 रुपया भर करके लाइन में लगते हैं और वो कनेक्शन की उनकी आवश्यकता हो, 30,000 रुपया नहीं भरते हैं तो 28,000 का तो कोई अर्थ नहीं है। आज जब 56,000 बचते हैं तो हमारी प्रायोरिटी उन 56,000 लोगों को जिन्होंने 30,000 रुपया भरा था उनको पहले कनेक्शन देने की बात है, और उसके बाद भी अब कनेक्शन लेने में किसान तो हर कोई चाहता है कि मुझे कनेक्शन मिले और मैं फटाफट पानी खींचो ऊपर ले आऊं। ये 2018 के बाद जब ये सारे कनेक्शन की बात आई उस समय ये पानी का जो संकट है उसके बाद ही, क्योंकि जो वाटर लेवल नीचे गया और जिसके कारण से डार्क जोन में कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, ये केंद्र सरकार की एक उस समय एक डायरेक्शन थी। उसके अंदर भी हजारों लोग उस एरिया के थे जहां कनेक्शन नहीं दिए जा सकते थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने भले ही वो वापस ले ली है सूचना कि हम अब कोई ऐसी सूचना नहीं देते हैं कि उनको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, ये सूचना वापस हो गई, लेकिन हमारी चिंता आज भी है कि हर साल ऐसे एरियाज हैं, हर साल पानी 1 मीटर 1.5 मीटर नीचे जा रहा है, एक पाइप हर साल ट्यूबवेल कनेक्शन वालों को डालना पड़ता है। 2008 से लेकर के और 2020 तक के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 12 मीटर 14 मीटर 15 मीटर पानी डाउन चला गया है। अगर इसको हमने नहीं रोका तो निश्चित रूप से आने वाले 10-12 साल में क्या होगा, ये जो पानी है ये एक बहुत बड़ा संकट हमारे लिए बनने वाला है। इसके कारण से हमने योजनाएं चलाई। योजनाएं क्या चलाई? हमने कहा कि पानी कम निकालिए, धान कम बुआई करिए, धान न बोने वाले को हमने 7,000 रुपया एकड़ ये पैसा दिया। 1,00,000 एकड़ किसान पर लोग हमारे पास आए हैं जिन्होंने 1,00,000 एकड़ पिछले साल कम किया, इस साल 2,00,000 एकड़ का अपील की हुई हमने, और इस 2,00,000 एकड़ में भी लोग और आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ठीक हम धान नहीं बोएंगे, हमें भी पता है कि पानी का संकट है। तीसरी बात हमने ये कही कि अब हम ज्यादातर यानी प्रेफरेंस उसी को देंगे जो माइक्रो इरिगेशन पर आएगा। माइक्रो इरिगेशन में वो जो सब्सिडी है जो 60% 65% होती थी हमने 85% कर दी है कि 85% सब्सिडी सरकार दे देगी, लेकिन आप माइक्रो इरिगेशन पर आइए और आपको तुरंत कनेक्शन मिलेगा। हमारे लिए पावर की कोई कमी नहीं है, वी आर सरप्लस इन पावर एट द डे टुडे, लेकिन हमारे पास पानी की जितनी कमी है इस पानी को कमी को देखते हुए हम इस प्रकार से खुले कनेक्शन जैसा मर्जी जो मर्जी आए लेगा वो संभव नहीं है। पानी को बचाना ये प्राथमिकता है। माइक्रो इरिगेशन पर जो आएगा उसको साथ साथ कनेक्शन देंगे, एक बात। दूसरा, एक 5-स्टार की कमिटमेंट थी हमारी कि 5-स्टार मोटर हम लगाएंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टेक्निकल एजेंसी ने कहा कि अब जो 5-स्टार के जो स्पेसिफिकेशन है पैरामीटर्स हैं उन स्पेसिफिकेशन को हम अब 3-स्टार में चेंज कर रहे हैं। वही 5-स्टार फिर 3-स्टार हो गया, आज 5-स्टार का कोई भी किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। इस विवाद के कारण से भी कम से कम 6 महीने लग गए कि इसका क्या करें। मोटर सारी आ चुकी थी, हमारे लिखने से वो 5-स्टार है, सेंटर की स्पेसिफिकेशन 3-स्टार की हो गई है, हमने उस पर लिख करके दिया कि मोटरें पुरानी 5-स्टार की हैं, आज की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये 3-स्टार हैं, जो इनको लगवाना चाहता वो लगवा सकता है। उसमें से 14,000 लोग लगभग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि ठीक है हमें आप वही मोटर जो पुरानी 5-स्टार आज 3-स्टार उसको आप लगा दीजिए, वो सब लगाई गई हैं। बाकी आगे 6 महीने अगले साल तक के लिए कहा है कि सारे पेंडिंग कनेक्शन तब तक पूरे कर दिए जाएंगे। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने ठीक बता दिया कि भी हमारी प्रायोरिटी ये उन कनेक्शंस की है, लेकिन मेरा सवाल तो सर वहीं खड़ा है भी जिस जानकारी के आधार पे ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया वो सही क्यों नहीं है? वो 2018 तक की ही जो जानकारी जो संख्या है वो क्यों दी गई? आज की जानकारी कहाँ है? चाहे आपने उनको कनेक्शन देना है, आपने नहीं देना, आपने उनको उजाड़ना है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप संख्या तो सही बताएंगे, संख्या तो आज की बताएंगे, 2.5 साल पुरानी संख्या क्यों बताएंगे? क्वेश्चन में है ना जी, उसका रिप्लाई कर दिया गया है। आपने पूछा कितने कनेक्शन है, उनकी क्या स्थिति है, उनका वो अपने सारा आपसे बता दिया कैसे, वो तो आपको मिल गया जवाब। अब जो आप कर रहे हैं उसका इस सवाल से कोई लेना देना? ये आपके जवाब में से ही सवाल निकला है, मैंने अपने पास से नहीं बनाया। स्पीकर सर, सेवा का अधिकार हरियाणा में भी लागू है, घरेलू कनेक्शन भी सेवा के अधिकार में है, औद्योगिक कनेक्शन भी सेवा के अधिकार में, 11 केवी 33 केवी अगर 33 केवी से अधिक का कनेक्शन भी लेना है सर, उसके भी दिन तय हैं कि इतने दिनों तक ये कनेक्शन मिलेगा, लेकिन
किसानों के साथ हमारे प्रदेश में क्यों सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनको सेवा के अधिकार से बाहर कर रखा है। अगर ट्यूबवेल कनेक्शन कोई किसान मांगता है उसको सेवा के अधिकार से ही बाहर कर रखा है। तो मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार है, ये मुद्दा आ ही क्यों रहा है? देखिए, पानी कहाँ है, कोका कोला की फैक्ट्री भी है, डिस्टिलरिया भी हमारे यहाँ है, फ्रूटी भी हमारे यहाँ है, उनके लिए आपने क्या किया? सारी मार किसान पे ही मारनी है आपने। देखिए, आपका ट्यूबवेल हमारी पीने के पानी के देने की है, पीने का पानी सबसे पहले फंडामेंटल राइट के हिसाब से दिया जाएगा, सिंचाई उसके बाद आती है, उससे पहले नहीं आती है। और ये आज हमारे थ्रू आउट वर्ल्ड चल रहा है। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं होगी ना सर प्रायोरिटी में? पानी होगा प्रायोरिटी में। और सर खाली पानी से पेट नहीं भरेगा, अन्न भी पेट में डालना पड़ेगा। आपके जो ट्यूबवेल कनेक्शन है, हाँ जरा वरुण जी एक मिनट आप सुनिएगा, एक मिनट सुनेंगे आप मुझे। आपके ट्यूबवेल कनेक्शन एप्लीकेशन पेंडिंग फ्रॉम 1/1/2019 से 30/6/2021 तक, ट्यूबवेल UHPN के 4381 है, DHPPN के 18,450 है, टोटल 22,831 हमने कर दिए जो पेंडिंग नहीं है। इसके बाद ऑर्गेड ऑफ ग्रिड ट्यूबवेल कनेक्शन अप टू 10 BHP रिलीज बाई न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट हरेडा, ये हमने टारगेट फॉर FY 2020-21 15,000 था, अचीव ड्यूरिंग FY 2020-21 14,564 है, टारगेट फॉर FY 2021-22,000 है, जो हमने काफ़ी से ज़्यादा अचीव कर लिया। ठीक है सर, मैंने आदरणीय मंत्री जी से ये भी बात रखी थी कि ट्रांसफॉर्मर्स की भी कमी है, वायर्स की भी कमी है, जो हमारे स्विच हैं उनकी भी कमी है। और जो मुझे जानकारी मिली है, हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं जो खेतों में प्रयोग हो रहे हैं, उनमें से आधे ज़्यादा ओवरलोड हैं, आधे से ज़्यादा। उसके बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं है कि उसका स्टेटस क्या है। वरुण जी, वैसे तो अधिकार है आपका, लेकिन सप्लीमेंट्रीज बहुत हो गई हैं, बाकी दो लोग हैं उन्होंने भी सप्लीमेंट्री भी पूछे सर, अगर कुछ गलत कहा हो सर मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिल्कुल राइट, आप सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं। मैंने दे दिया जो हाउस में सामने है, मैंने आपको बता दिया, आप समझ भी रहे हैं, पर इसके बाद आप बोले तो मैं आपसे क्या कहूंगा। मेवा सिंह जी अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, इन्होंने वाटर रिचार्जिंग की बात करी डार्क जोनों में, आज नए कनेक्शन पे जो इन्होंने नई शर्त लाई है ड्रिप प्रणाली की, ये नए कनेक्शन पे ही नहीं, अगर किसी किसान ने अपना कनेक्शन शिफ्ट करवाना है, उसका बोर खराब हो गया और दूसरी जगह अगर उसने बोर कर दिया, उस पर भी यही ड्रिप प्रणाली सिस्टम की शर्तें लागू हैं। अगर किसी ने अपना कनेक्शन का लोड बढ़वाना है, उस पे भी यही शर्तें लागू है। क्या ये सारी की सारी शर्तें आप किसान पे लागू करेंगे? क्या वाटर रिचार्ज करने में सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? सरकार ने क्या किया वाटर रिचार्ज करने के लिए? पिछली बार आपने जीरी न लगाने की सड़क थोप दी, अब आपने ड्रिप प्रणाली थोप दी, जिन किसानों